आज 14 फरवरी है जिसे कई लोग वैलेंटाइंस डे के तौर पर मनाते हैं। उत्तर भारत के तमाम राज्यों में हिंदू धर्म के रक्षक बनकर चलने वाले संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए आज की सुबह थोड़ी व्यस्त रही। हाथ में लाठी लेकर आवाज कड़क करके प्रेमी जोड़ों का विरोध करने निकले। काश ये कार्यकर्ता धर्म और समाज की रक्षा के लिए और भी अपनी जिम्मेदारी समझ पाते। बजरंग दल, हिंदू राष्ट्र रक्षक दल, हिंदू सेवा रक्षक समिति, हिंदू संगठन, हिंदू जागरण समिति, हिंदू महासभा, भैरव सेना, कुछ तो नाम वाले, कुछ तो जिनका नाम भी नहीं सुना, सब 14 फरवरी को सक्रिय हो गए। कानून के ठेकेदार, संस्कृत के रक्षक, हिंदू धर्म को पश्चिम संस्कृति से बचाने के नाम पर दुकान चलाने वाले, और किया क्या? देहरादून की तस्वीरें हैं। धर्म के रक्षक बनने का ठेका भैरव सेना नाम के संगठन ने लिया। वैलेंटाइंस डे मनाने वालों का विरोध करने वाले कितने समझदार हैं? इसी बात से समझिए कि एक हाथ में लाठी लेकर विरोध जताएंगे, साथ में मंगलसूत्र, सिंदूर, माला और हवन कुंड लेकर चलेंगे, ये कहते हुए कि वैलेंटाइन डे मनाते लोगों की शादी करा देंगे। मतलब जिसके विरोध में निकले हैं उन्हीं को एक करके छोड़ेंगे। ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बजरंग दल के लोग हैं जो पार्क में बैठे लोगों को मुर्गा बनाने लगे। समाज सुधारने का लाइसेंस इन्हीं को मिल गया हो जैसे। बच्चों को जो है हमने समझा करके छोड़ दिया है, और जो हमें कपल्स दिखे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई भी किया है, जो उनको दंडात्मक कार्रवाई भी उनके ऊपर दिया हमने, और इसके बाद भी उनको भी जाने दिया। एक और मौका जो है उनको ब्लैक डे के रूप में मनाने को कहा। प्रेमी जोड़ों का विरोध करने की जगह अगर यही लोग शहर के पार्कों के सौंदर्यीकरण पर ध्यान देते, पार्क में लाइट है और सफाई का ध्यान देते, तो समाज का और सुधार होता। अब जरा दरभंगा की तस्वीरें देखिए। हुड़दंग मचाकर ये वैलेंटाइंस डे का विरोध करने निकले, हेलमेट खुद नहीं पहना, लाठी और हथियार साथ में ले लिया, अश्लीलता रोकने के नाम पर खुद अपराध को बढ़ावा दे रहे। काश ये अभियान इस बात का चलाते कि सड़कों पर गड्ढे क्यों हैं, जहां गड्ढे हैं वहीं ये लाठी लेकर ऐसे बैठ जाते। कम से कम गड्ढों से जान गंवाने वाले नागरिक इन्हें धन्यवाद तो करते। मुजफ्फरनगर में भी गले में भगवा गमछा डाले लोग दिखे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता व्योमकेश बख्शी बने हुए नजर आए। होटल रेस्टोरेंट में प्रेमी जोड़ों को खोज रहे थे। काश ये कार्यकर्ता इन्हीं होटल रेस्टोरेंट में समय समय पर जाकर फायर सेफ्टी की भी जांच कर लेते, देख लेते कि आग बुझाने वाले यंत्र उस होटल रेस्टोरेंट के काम कर रहे हैं कि नहीं। वक्त बेवक्त तब होटल रेस्टोरेंट में लगने वाली आग और उस आग में झुलसकर मरने से हिंदू समाज और हर समाज के लोग बच जाते हैं। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।